Hello beautiful people, welcome to our channel Apoorva and Abhya. Please subscribe and click on the bell icon to be the first to see the latest videos. दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वीट डिश की रेसिपी जो कि बनाना बहुत इजी होता है, बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत हेल्दी भी होती है। तो आज हम बनाने वाले हैं साबूदाने की खीर। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक कप साबूदाना लिया था जिसको 3 घंटे पहले भिगो लिया है, और यहाँ पर भीगे हुए साबूदाने लिए हैं। 4 बड़े चम्मच मैंने खांड के लिए हैं, आप चाहें तो 4 चम्मच चीनी भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 बड़ा कप दूध लिया है और कुछ मखाने लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक पैन के अंदर 1 बड़ा चम्मच घी डाल लें। उसके बाद मैंने टेस्ट के लिए यहाँ पे थोड़ी सी चिरौंजी ली है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। और घी से हम ये जो मखाने हैं इसको सॉटे कर लेंगे। जैसे ही मखानों में थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए और यहाँ थोड़े से ये रोस्ट हो जाएं, इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसके बाद आप कढ़ाई के अंदर साबूदाना को डाल लें और पानी के समेत ही डालिएगा। इस तरह से साबूदाना को 5 मिनट के लिए उबाल लें और इसे इस तरह से स्टर करते रहें। 5 मिनट बाद आप साबूदाना के अंदर दूध को ऐड कर दें। यहाँ पर मैंने दूध के साथ थोड़ी मलाई भी ले ली है, इससे क्या होगा काफ़ी क्रीमी क्रीमी सी खीर बनेगी। उसके बाद आप केसर ऐड कर लें। यहाँ पर केसर से बहुत अच्छा कलर भी आता है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद चीनी या फिर खांड को भी ऐड कर लें। अच्छे से सभी इन्ग्रीडियंट्स को मिक्स कर लें। इस तरह से उबाल आने दें, और जैसे ही उबाल आना शुरू हो जाए तो आप इसके अंदर मखानों को ऐड कर लें। इस तरह से खीर को बार बार चलाते रहें और लगातार उबालते रहें। आप धीरे धीरे देखेंगे खीर का जो टेक्सचर है वो थिक होता जाएगा, और ये देखिए दूध की परत ऊपर तक थी कढ़ाई में और ये बिल्कुल नीचे आ गई है, यानी कि आधा हो गया है दूध। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपकी खीर जो है वो बिल्कुल बन गई है। और देखिए इसका जो टेक्सचर है वो भी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, तो ये परफेक्टली आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ऐसी ही स्वीट, इंस्टेंट, ईजी रेसिपीज़ के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं।